चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में एमएस धोनी के एक फैसले ने किस तरह से क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जैसा कि सभी को पता है कि एमएस धोनी के फैंस इंडिया में होने के साथ साथ विदेशों में बहुत सारे हैं, तो आज की खबर एमएस धोनी के फैंस के लिए बहुत ही बुरी होने वाली है। तो खबर के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। जैसा कि सभी को पता है कि एमएस धोनी चेन्नई की टीम के लिए 2008 से आईपीएल खेलते आ रहे हैं और एमएस धोनी ने चेन्नई की टीम को अब तक 5 बार खिताब जिताया है। इसके साथ ही एमएस धोनी ने चेन्नई की टीम को बहुत सी बार फाइनल और सेमीफाइनल में पहुँचा है। लेकिन अब एमएस धोनी का क्रिकेट को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। एमएस धोनी के बारे में कहा जा रहा था कि एमएस धोनी 2024 के आईपीएल के बाद में संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन धोनी ने सीएसके की टीम के लिए 2024 के बाद में 2025 का आईपीएल भी खेला है और यह आईपीएल एमएस धोनी ने चेन्नई के नए कप्तान को उभारने के लिए खेला है। 2024 के आईपीएल में चेन्नई की टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं और एमएस धोनी ऋतुराज गायकवाड़ के सलाह मशवरे के लिए टीम में टिके हुए हैं। लेकिन अब 2024 का आईपीएल भी समाप्त होने की ओर चल पड़ा है। 2024 के आईपीएल में चेन्नई की टीम के अब सिर्फ मात्र 3 मैच बचे हैं और अगर चेन्नई टीम फाइनल और सेमीफाइनल पहुंचती है तो 1-2 मैच और एक्स्ट्रा खेल सकती है। तो धोनी के फैंस के लिए यह बुरी खबर होने वाली है कि अब आने वाले 5-10 दिनों में वो धोनी के अंतिम मुकाबले देखने वाले हैं। इसके बाद एमएस धोनी उनको क्रिकेट में या फिर मैदान पर खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं। एमएस धोनी के लिए 2025 का आईपीएल खेलना बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि 2024 के आईपीएल में भी एमएस धोनी इंजरी से गुजर रहे हैं और एमएस धोनी बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सीएसके की टीम के फैंस और एमएस धोनी के फैंस ये चाहते हैं कि एमएस धोनी 2025 के आईपीएल में भी चेन्नई की टीम के साथ जुड़े रहें। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि एमएस धोनी को आगे आने वाला आईपीएल खेलना चाहिए या फिर एमएस धोनी को अभी संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।